प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुहाडे नाल पहले लैक्चर दे विच इकोनॉमिक्स दीआं कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करांगी। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की हुंदी है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्नड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाव अर्थशास्त्र एक समाज विज्ञान है जिसका संबंध वस्तुआं अते सेवावां दे उत्पादन, वंड अते उपभोग नाल हुंदा है। इस दे विच दस्या जांदा है कि वस्तुआं दा उत्पादन किवें कीता जांदा है अते उन्हां दी वंड किहड़े किहड़े खेतरां विच कीती जांदी है अते उपभोग किवें कीता जांदा है। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही गेव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजिज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशनस। भाव एडम स्मिथ नू अर्थशास्त्र का पितामा कहा जाता है अते उस वलों अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दिती गई है। उस अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रां दे धन की प्रकृति अते कारणा की पड़चोल है। भाव कि उसने इस विच धन का अध्ययन किया है, केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया है, आर्थिक मनुख की धारणा लई है। आर्थिक मनुख का भाव वह मनुख जो कोई आर्थिक क्रियावां करता है, जिस तरह कि साधु अते संत वह समाज तो बाहर रहिंदे ने, कोई आर्थिक क्रिया नहीं करते, तो उन्होंने उसने इस खेत्र विचों बाहर कढ़िया है। तो इस डेफिनेशन विच धन नूं बहुत ज़्यादा महत्व दिता गया है ते सिर्फ आर्थिक मनुख नूं ही इस विच लिया गया है। तो इस कई एंगल्स तो इसकी फिर क्रिटिसिजम भी की गई है, भाव कि इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि इसने धन नूं बहुत ज़्यादा महत्व दिता है ते मनुख नूं अखों ओले किया है, केवल तो केवल आर्थिक मनुख नूं लिया है, केवल तो केवल भौतिक वस्तुओं नूं लिया है ते मनुख दे कल्याण की कोई गल नहीं की, साधना नूं भी अखों ओले किया गया है। सो इस तरह एडम स्मिथ की यह डेफिनेशन है केवल तो केवल धन के दुआले ही घूमती है, धन किवें कमाना है धन बारे ही यह दस्या जाता है। वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषा। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। भाव एल्फ्रेड मार्शल अनुसार अर्थशास्त्र मनुख के आम जीवन का अध्ययन है, इस द्वारा मनुख के उन्हों व्यक्तिगत अते समाजिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिहड़े सीधे तौर पर धन की प्राप्ति अते वरतों नाल जुड़े होंदे हन अते उन्हां दा संबंध मनुखी कल्याण नाल हुंदा है। भाव कि इस विच मनुखता का अध्ययन किया जाता है, जिंदगी दे आम सधारण कारोबार का अध्ययन किया जाता है अते असली मनुख का अध्ययन किया जाता है। स्केयरसिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। हुण असीं रॉबिन्स दी स्केयरसिटी डेफिनेशन का अध्ययन करते हाँ। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजिस। भाव अर्थशास्त्र एक अजिहा विज्ञान है जो मनुख दे उस व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका संबंध असीमत लोड़ा अते इन्हां दी पूर्ति करन वाले उन्हां सीमत साधना नाल है जिन्हां दे बदलमे प्रयोग हुंदे हन। भाव कि इस डेफिनेशन विच रॉबिन्स ने मनुखी व्यवहार दी गल कीती है ते उसने दस्या है कि मनुख दियां असीमत लोड़ा हुंदियां हन ते उन्हां लोड़ा नूं पूरे करन दे लई उस कोले सीमत साधन हुंदे हन ते इन्हां सीमित साधना दे विच्चों वो वख वख प्रयोग करता है ते अपनी इच्छावां नूं अपने लोड़ां नूं पूरा करन दा यतन करता है। जिस तरह कि असीं देखदे हां कि साडियां बहुत सारियां लोड़ां हुंदियां, कई बारी
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੋਥ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਮਾਡਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਏ ਸੈਮੂਲਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲ ਏ ਸੈਮੂਲਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਓ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੂਜ਼ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਯੂਜ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈ ਸਕੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਡ ਹੈਵ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups in society। ਭਾਵ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਉਪਭੋਗ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਓਪਟੀਮਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕਸ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ, ਸਟੇ ਹੈਪੀ।